हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुलभरने व्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे। तो भाई आज का व्लॉग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टब के नीचे से क्योंकि इसमें जो है वो हैं कपड़े। घर पे जो पानी ख़त्म हो चुका है इसलिए हम जा रहे हैं दरिया पे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं, लगाने वाले कपड़े नहीं हैं भाई। ये हैं घर के कपड़े, मतलब जिसमें कारपेट वगैरह जो है सब है। तो हमारे साथ अभी हैं सुमेर भाई, उमेर है और सलमान है। हाँ, चारों के पास कपड़े, मैं दिखाता हूँ आपको। हम इन्हें धोने जा रहे हैं दरिया पे क्योंकि वहाँ पर पानी भी खुला डुला होता है और जगह भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर इजी होता है कि हम कपड़े धो इजीली हम कपड़े धो सकते हैं, तो इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। तो आगे हम बता देंगे सीन है। तो ये सुमेर भाई है, उमेर और सलमान सारे कपड़ों से लैस हैं। ये देखिए इनको चढ़ गई। आज मैं डिवाइन बना हुआ हूँ और ये रास्ता जा रहा है सतन के पास। सतन जगह का नाम है जहाँ हमारा स्टॉप है, वहाँ हमने जो है कपड़े धोने। सतन उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर सात चश्मे हैं, इसलिए उसका नाम सतन डाला हुआ है। अब पता नहीं किसने डाला पर डाला है। अभी हमारे ट्राले जो है वो लोड होके आ रहे हैं। सबसे बड़ा ट्राला आगे, पीछे से दो हैं वो अभी लोड ही हो रहे हैं। तो टॉप अप जो है हमने उतार दिए और हम पहुंच गए दरिया पे। अभी हम काफी हल्का महसूस कर रहे हैं, पानी का रुख मोड़ेंगे। अभी हम पानी का रुख मोड़ेंगे ताकि इस पत्थर पे आए। तो बोतल जो हमने वो फ्रिज में लगा दी है जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये ठंडा हो जाएंगी तो तब हम इसको पिए। बड़े बॉय से काम करा रहे हैं देख रहे हो। तो भाई इस तरह की कुछ लोकेशन है। आधा काम जो अभी वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी हमने जो है देखो इतने सारे कपड़े जो धो लिए हैं उस पत्थर पे, अभी सुखाने के लिए रखे हैं ये। तो बाकी अभी यहाँ पर है रिफ्रेशमेंट ब्रेक, अभी हम इसको खाएंगे पियेंगे फिर से काम पर लगेंगे। घर का फुलका, ये चटनी, ये दरिया का शोर और ये मीठी मीठी धूप। भाई समझ रहे हो क्या फील कर रहे हैं अभी हम। सबसे इंटरेस्टिंग और फनीस्ट पार्ट जो होता है वो लास्ट में होता है, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो हमें परमिशन नहीं होती थी यहाँ पर आने की, मतलब दरिया पे नहाने की। तो हम किसी न किसी काम के बहाने किसी बड़े को साथ लाते थे तो फिर नहाते थे। ऐसे आज तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये फनी स्पॉट है भाई। अभी हम इसको उतारेंगे दरिया में वहाँ पर तो फिर नहाएंगे। भाई गिर गया। ओ भाई शिट, मुझे जाना पड़ेगा।